for them to ask you who you know. Please don't make any sad moves. Hello guys, welcome to Deji Media News. तो guys, आज हम बात करेंगे DC Universe के तीन अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं Ben Affleck के बारे में। आप सभी जानते हैं कि उन्हें मूवी से कभी निकाल देते हैं, कभी वापस ले आते हैं, बट आज फाइनली वो कंफर्म हो चुके हैं कि वो बैटमैन यूनिवर्स में काम करेंगे। उसके बाद हैंडी का नया अपडेट आया है, उन्होंने सुपरमैन मूवी कैरेक्टर को छोड़ दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। और देन सबसे बड़ी बात कि मुझे लग रहा था कि विचर मूवी करने के बाद डीसी यूनिवर्स में मैन ऑफ स्टील 2 थी लिस्टेड में, ये कन्फर्म था ऑफिशियली। बट ऐसा हुआ आज का अपडेट जानने के बाद कि हैंडी ने सुपरमैन की रोल के लिए काफी ज्यादा पैसे मांगे थे और हॉलीवुड की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला कि वो इस रोल को करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद इसलिए ज्यादा पैसा मांग रहे हो और उन्होंने ये कैरेक्टर को छोड़ दिया। उसके बाद सभी फैंस को उम्मीद थी कि ये कैरेक्टर इतना अच्छा था डीसी यूनिवर्स में मेरे हिसाब से कि शायद हाँ मैं जैसा सुपरमैन को चाहता था देखना, मुझे मैन ऑफ स्टील में वही सब देखने को मिला, वैसी फाइट, सुपरमैन की एक्चुअल में पावर। उसके बाद यानी डीसी यूनिवर्स में अब आपको सुपरमैन लास्ट शज़ाम मूवी में देखने को मिलेंगे एक कैमियो के तौर पे। और देन मुझे लग रहा था कि शज़ाम और सुपरमैन एक साथ मिलकर एक अच्छा सा कोलैब कर ब्लैक एडम की मार लगाएंगे। जी हाँ, मैंने तो यही सोचा था, बट अब ऐसा नहीं है। फाइनली सुपरमैन अब आपको शज़ाम मूवी में लास्ट दिखाई देंगे, काफी दुखद वाली बात है। और देन मुझे लगता है कि डीसी यूनिवर्स को उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यार इतना अच्छा यार कैरेक्टर है हैंड्री, और देन वो सुपरमैन के अलावा और दूसरे कैरेक्टर को लेंगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। और देन अगर जसीली फ्लॉप भी चली गई थी तो उन्हें कोई बात नहीं, उन पर तो डीसी यूनिवर्स में काफी अच्छी अच्छी मूवी पड़ी है, उन्हें एक बार सोचना चाहिए था। उसके बाद सबसे बुरा अपडेट आज का, अभी हाल ही में ये पता चला है कि माइकल बी जॉर्डन जो कि ब्लैक पैंथर में किलमोंगर का रोल करते हैं, वो इस मूवी का कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, यानी कि सुपरमैन। मुझे मालूम है ये बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में कि ये सुपरमैन के रोल में कैसा लगेगा। और देन आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन अगर आप माइकल बी जॉर्डन से इस टाइम अगर पूछोगे ना कि उन्हें मार्वल स्टूडियो में मजे नहीं आ रहे हैं, क्या डीसी यूनिवर्स को क्यों ज्वाइन करा, तो वो सिंपल ये कहेगा कि किलमोंगर के एक्ट को करने में, कैरेक्टर को रोल प्ले करने में मेरी बॉडी पर गमोरिया हो जाती थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर डोर मारो, हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।